जय सियाराम। आज हम बिहार स्थित सीतामढ़ी में हैं। सीतामढ़ी में एक महाराज जी का आश्रम है जहाँ पे हम लोग पंगत कर रहे हैं। ये हम सभी संत लोग आए हुए हैं श्री सीतामढ़ी में। अभी हम लोग श्री सीतामढ़ी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अभी हम लोग प्रसाद पा रहे हैं अपने गुरु जी के साथ, और इसके बाद हम लोग श्री सीतामढ़ी में हम लोग सब जगह दर्शन करेंगे, जहाँ जहाँ जानकी जी का जन्म हुआ है, जहाँ पे महाराज श्री जनक जी हल चलाए हैं, सभी चीज़ का दर्शन करेंगे। आप सामने जो देख रहे हैं श्री जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम, इसके दर्शन आप कर रहे हैं। अभी हम लोग सब कोई जा रहे हैं। सामने आप देखिए ठाकुर जी हैं, इतने मधुर ठाकुर जी हैं कि कहना ही क्या। ये हमारे गुरु जी हैं और संत लोग हैं, हम लोग सब कोई देख रहे हैं, मतलब कि ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। इतने प्यारे ठाकुर जी हैं कि कहना ही क्या। अभी पुजारी जी आएंगे तो हम लोगों को इन ठाकुर जी के बारे में बतलाएंगे, यहाँ की महिमा को बतलाएंगे, और आगे हम लोगों को कहाँ कहाँ और दर्शन करना है ये भी बतलाएंगे। तो ये हमारे गुरु जी को बतला रहे हैं, अब आप दर्शन करिए। जय हो। ये राम जी हैं, इस तरफ जानकी जी हैं, फिर लक्ष्मण जी हैं, फिर उर्मिला जी हैं, मतलब कि सारी माताएं हैं और हमारे चारों भैया हैं उनकी। अब हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, उर्बिजा कुंड जा रहे हैं। ये उर्बिजा कुंड कहते हैं, यहीं श्री जानकी जी का मतलब कि वो जो कुंड, मतलब कि जो कलश मिला हुआ था वो यहीं पर मिला था, कहते हैं ऐसा। आप देखिए नीचे ये कुंड बना हुआ है जिसको जानकी कुंड कहा जाता है। तो अब आप दर्शन करिए, उर्बिजा कुंड कहलाता है। अब अंदर दर्शन करेंगे, महाराज मिथिलेश जी महाराज हैं और श्री सुनैना जी हैं, और क्या कहते हैं महाराज सतानंद जी हैं जो हल चलाते हुए आपको दिखेंगे, और इतना आनंद आया। ये पंडित जी हैं जो यहीं के मिथिला के ही हैं, जो हम लोगों को सारा सब कुछ दर्शन कराए। इतना अच्छा लगा कि कहना ही क्या, इतना अच्छा लगा। वहाँ इतने भक्त लोग आते हैं दर्शन करने, और मिथिला के लोग तो इतने, मतलब इतने स्वभाव से इतने अच्छे हैं कि कहना ही क्या। और जब हम लोग बताते थे कि हम लोग अयोध्या जी से आए हुए हैं, ओहो हम लोग के स्वागत सत्कार में लग जाते थे इतने अच्छे से, क्या नहीं। जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे हम लोग को अच्छे से प्रसाद दिया जाता था, हम लोग को माला पहनाया जाता था, अच्छे स्वागत किया जाता था, कहीं शरबत पिलाया जाता था, कहीं जूस पिलाया जाता था, मतलब इस तरह से बहुत बहुत अच्छा हम लोगों को बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके। और हम लोगों को पंगत भी कराया गया वहाँ पर, इतनी अच्छी पंगत बनी हुई थी कि कहना ही क्या। तो ये पुजारी जी हैं जो मतलब कि यहाँ के बारे में हमारे गुरु जी को बतला रहे हैं। हम लोग थोड़ा सोचिए कि फ़ोटो भी खींच लें यहाँ की। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, अब हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं जो कि एक, ये जानकी जी का जन्मस्थल रजत द्वार कहलाता है, शक्तिपीठ रजत द्वार कहलाता है। अब हम यहाँ के दर्शन करेंगे। यहाँ पे भी ठाकुर जी बड़े मधुर हैं। यहाँ हम लोग गए थे तो हम लोगों को जूस पिलाया गया था, ये हमारे गुरु जी हैं। अब हम लोग अंदर जाएंगे तो पुजारी जी हम लोगों को अंदर से दर्शन कराएंगे, और फिर खूब सारा प्रसाद भी देंगे, और फिर हम लोगों को माला भी पहनाएंगे। मतलब कि इतना अच्छा लगा कि उसे हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जानकी जी की जन्मस्थली और ये सीतामढ़ी इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा लगा कि हम क्या कहें। अभी आप देख पा रहे होंगे ये सब संत लोग हैं, सब दर्शन कर रहे हैं भगवान जी के, इतने सुंदर प्यारे ठाकुर जी थे। अब हम दूसरी जगह आ चुके हैं जो हलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पे मतलब कि जिनसे मतलब कि जिनकी स्थापना महाराज श्री जनक जी ने ही की थी, और उन्हीं श्री शंकर जी ने महाराज श्री जनक जी को मतलब कि ये क्या कहते हैं हल चलाने की वो दी, तो जिससे हल चलाया उन्होंने, जिससे श्री जानकी जी का प्रागट्य हुआ। जय हो। अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर से दर्शन करेंगे। अभी मतलब कि हम शंकर जी की अभी सफाई हो रही थी हलेश्वर महादेव जी की, तो हम लोग उसी टाइम पहुँचे, हम लोग प्रणाम वणाम किए, चरणामृत लिए उनका, इतना अच्छा लगा क्या नहीं। ये हमारे गुरु जी प्रणाम कर रहे हैं, सभी संत लोग प्रणाम कर रहे हैं। वाह, इतने अच्छे यहाँ के शंकर जी थे कि कहना ही क्या। यहाँ का मतलब कि चारों तरफ का मतलब कि माहौल इतना इतना अच्छा था, इतना अच्छा था क्या नहीं। यहाँ के इतने प्रेमी लोग हैं कि क्या कहना। सच में मिथिला धाम का कहना ही क्या, बहुत अच्छी नगरी। फिर हम लोग क्या कहते हैं यहाँ के दर्शन किए, फिर एक जगह और हम लोग गए थे जहाँ पे श्री जानकी जी का डोला रखा गया था। ये वो जगह है, मतलब कि पहली बार जब जानकी जी अपने वहाँ से विदा हुई तो एक बार बीच में रखा गया, तो जानकी जी को यहीं पे मतलब कि उनका डोला रखा गया था, रुका हुआ था। तो
वहाँ पे श्री जानकी जी रुकी थी, एक कुंड में स्नान भी की थी और एक पाकर के वृक्ष की एक लता से उन्होंने क्या कहते हैं वो भी किया था, मतलब मुखारी की थी। उस लता की चारों तरफ वहाँ पे विशाल मतलब लताएं फैली हुई हैं पाकर की, इसलिए इस जगह का नाम पंथ पाकर भी पड़ गया। ये ठाकुर जी थे। अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं विवाह का। ये वहाँ पे मिथिला में विवाह हो रहा था, ये सभी संत लोग विराजे हुए हैं और ये माताएं भक्तमती माताएं विराजी हुई हैं, सामने पूरे सब भक्त लोग विराजे हुए हैं। ये जो हमारे